बर्जर के जितने भी टोकन्स होते हैं, इन टोकन्स को अप्लाई करने के लिए आपको किस तरह पहचानना होगा और किस तरह से ऐप में इसको डालना होगा और किस तरह से अपडेट होने के बाद वो पैसे आपके खाते में आ सकते हैं और इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं, आज की वीडियो में यही बताएंगे। तो मेरे पास कुछ इस तरह के ये है इजी क्लीन फ्रेश, जो अंदर के लिए लगाया जाता है पेंट, और वो है 4 लीटर का। इसकी मैं पहचान किस तरह किया है और उसमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या लिखा होता है, देखिए ऊपर यहाँ पे 4 लीटर लिखा है, यहाँ पे इजी क्लीन फ्रेश 4 लीटर लिखा है और इसकी यहाँ पे वैलिडिटी मौजूद है। और इस तरह से ये टोकन्स बर्जर के अंदर आता है और यहाँ पे एक नंबर्स होता है और यहाँ पे नीचे में एक QR कोड होता है जिसमें हम स्कैन करके ऐप से इसको स्कैन करके पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट से हमें क्या मिलता है आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहला हमें एक घर के अंदर किस तरह से पॉइंट वाले टोकन्स मिलते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये है 1 लीटर का, जिसमें हम 4 लीटर के एक दीवार पे कलर करके 1 लीटर का फ्रंट वॉल पे हमने कलर किया था। और यहाँ पे है हमारे पास येलो पट्टी का, और जिसमें हम जान सकेंगे कि ये है 10 लीटर का, ये 10 लीटर का है, इसकी पट्टी से पता चलेगा। यहाँ पे उसकी वाइट है और साइड में इसकी येलो पट्टी है, तो ये भी इजी क्लीन फ्रेश का ही है। यहाँ पे लिखा है 10 लीटर, इससे ये पहचान जाता है कि ये कितने लीटर के डिब्बे में आया है। ये 2024 तक इसकी वैलिडिटी है। इस तरह से अंदर के मेरे पास सारे टोकन्स यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे बाहर के लिए टोकन्स मौजूद है। तो सबसे पहला हम बताएंगे 1 लीटर वाला। 1 लीटर वाला जो है ये वेदर कोट एंटीडेस्क का है, 2023 इसकी वैलिडिटी है। और इसमें 20 लीटर का भी हमारे पास मौजूद है, बाहर के लिए हमने वॉल पे इस्तेमाल करने के लिए जो लाए थे वेदर कोट एंटीडेस्क का था, इसलिए कि ये बर्जर में मेन क्वालिटी होती है जिसमें इजी क्लीन फ्रेश और एंटीडेस्क लगाना। यहाँ पे एक मेन इम्पॉर्टेंट है एंटीडेस्क कूल, जिसमें 4 लीटर का है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट कर रहा हूँ कि इसमें पॉइंट कुछ अलग होते हैं, इसमें मैं आगे बताऊँगा। ये सारे मेरे पास अभी मौजूद है। सबसे पहला मैं फ़ोन लेता हूँ, इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी ये ऐप मौजूद है। इस ऐप का नाम है सविदय ऐप। इसमें आपको लेने के बाद इसको आप अगर आप लॉग इन करना चाहते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रोसेसिंग है। इसको कैसे प्रोसेसिंग करते हैं सारी डिटेल मैंने एक वीडियो में बता रखी है, ऊपर आई बटन पे और यहाँ पे साइड स्क्रीन पे भी मैं शो कर दूंगा, वहां से भी क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है। तो जैसे ऐप वो आपको ओपन करते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा पेज, और उसके बाद आप इसके अंदर जाने के बाद यहां से टोकन स्कैन कर सकते हैं। तो टोकन स्कैन करने के लिए यहां पे एक्स्ट्रा एक जगह दिया गया है जिसमें आपको स्कैन कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर इसके अंदर मौजूद है, यानी कि अलग अलग ये टोकन और पेंट के बारे में जानकारी के लिए। फिलहाल हम टोकन जो स्कैन कर रहे हैं वो है, जितने टोकन भी हम स्कैन अभी करने जा रहे हैं आपके सामने वो सारे पॉइंट अभी किस तरह से होंगे मैं वो आगे बताऊंगा, कि ये फिलहाल एक ही वक्त में नहीं हो सकता, यानी कि ये आज टोकन स्कैन करेंगे कल आपके ऐप में पॉइंट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक इजी क्लीन फ्रेश का 1 लीटर वाला स्कैन कर चुका हूँ, जिसमें मुझे नीचे की तरफ यहाँ पे अभी तक शो नहीं हो रहा है। जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसका मतलब ये पॉइंट वाला स्कैनिंग हो गया है। देखिए यहाँ पे नीचे में मुझे सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है मगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि दोबारा मुझे स्कैनर के ऊपर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे स्कैनर के ऊपर क्लिक करूंगा, ये स्कैन फिर से हो या ना हो फिर यहाँ पे नीचे शो करेगा कि मैंने पहले इसको स्कैन किया है और इसकी जो मेरे ऐप में आ चुका है। फिलहाल ये ऐप में आ चुका है, मतलब पॉइंट अभी ये कंपनी को और ये किसी को भी नजर नहीं आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं टोकन के ऊपर जो भी नंबर है वो नंबर यहाँ पे शो होना चाहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये टोकन्स स्कैन हो चुका है। तो मैं यहाँ ऊपर मोबाइल के ऊपर जो एक टोकन्स क्यों रखा हूँ कि यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर शो हो रहा था, तो मैं फटाफट अभी क्या करूँगा कि ये टोकन सारे डालूंगा और मेरे पास जितने टोकन्स है वो डाल के आपको दूसरे दिन आपको मैं बताऊंगा कि ये, यानी कि नेक्स्ट वीडियो पे नहीं यही वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से मेरे पॉइंट जमा हो चुके हैं। तो जैसे मैं स्कैन करते रहूंगा तो नीचे मेरे पास नीचे शो करेगा लिस्ट, इसकी सारी लंबी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपको अंधेरा बहुत है तो यहाँ पे आप टॉर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसके अंदर टॉर्च का ऑप्शन भी है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ना हो सके तो मैं इसके लिए ऊपर एक हेब्रो टेप हटा लिया हूँ और मैं टोकन को सारे स्कैन कर चुका हूँ। और मेरे पास स्कैन करने के बाद अभी दूसरे दिन मैं जब इसको लैपटॉप के सामने मेरे ऑन करके देख रहा हूँ कि मेरे कितने पॉइंट जमा हो गए हैं। आप पहले देखे थे 103 पॉइंट कुछ थे, तो अभी मेरे पास 1500 यानी कि 1541 यानी इतने पॉइंट हो गए हैं, 1540
पॉइंट हो गए हैं और नीचे बहुत सारे फीचर हैं। मैं इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको, अगर आप कमेंट करेंगे कि इसको ऐप को कैसे लेना है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। देखिए यहाँ नीचे लिस्ट भी यहाँ पे शो नहीं हो रही, यानी कि मेरे पॉइंट यानी कि सारे के सारे कंपनी के पास चले जा चुके हैं। इस तरह की वीडियो मैं फिर लाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कैसे ऐप को ऑन करते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हैं।